नमस्कार, मैं आयुषी लेकर हाजिर हूँ वीकली न्यूज राउंडअप, जहां मैं हर वीक आपको कराऊंगी बीते दिनों की हॉट एंड ट्रेंडिंग न्यूज से रूबरू, जो रही पूरे वीक सुर्खियों में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की खबर का सिलसिला। तो देखिए, कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। देखिए, सियासत हर वक्त अपने रंग ढंग बदलती रहती है, कल इसमें क्या बदल जाए, कौन बदल जाए, इसका किसी को पता नहीं चलता है। तो क्या राजस्थान की सियासत में भी आने वाले वक्त में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सवाल इन दिनों हर किसी के जहन में है, और वो इसीलिए क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने इन दिनों राजस्थान की सियासत में हलचल बढ़ा दी है, जिसे राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से खलबली है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के अंदर गुटबाजी तो लंबे समय से है। एक गुट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है तो दूसरा गुट सचिन पायलट का। सचिन पायलट लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने को लालायित हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान से उन्हें अब तक हरी झंडी नहीं मिली। इधर एक साल बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में राज्य में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। दरअसल मौका था राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन का, जिसे सीएम संबोधित कर रहे थे, और मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम बोले कि 2-3 दिन से अफवाह सुन रहा हूं, फला ये हो गया, वो हो गया, बार बार ये आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी। आगे सीएम ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूं जो 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना, सोनिया गांधी ने मुझे 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का चांस दिया, तो मैंने उस वक्त से उन्हें अधिकृत कर रखा है। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आने नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट ही सोनिया गांधी के पास में है। अब सीएम गहलोत के इस बयान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब कुछ दिनों पहले दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी, और इसके एक दिन बाद सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी की समिति के साथ साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी। इधर सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान में सरकार और संगठन का फीडबैक रखा, और सचिन पायलट ने 2023 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में फिर से वापसी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए, और तब से ही ये चर्चा चल रही है कि क्या सोनिया गांधी राजस्थान में सीएम बदलने जा रही है। पायलट कैंप सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट और संगठन में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान पर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहा है कि अब पता चला कि राजस्थान का शासन इतना खराब क्यों है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है। सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार आने से राज्य की जनता भ्रमित हुई है, तो 2023 में राजस्थान के लोग इस भ्रम को दूर करेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि सीएम मानसिक से विकृत हो चुके हैं। कटारिया ने सोनिया गांधी को इस्तीफे वाले बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने आगे कहा कि राजा हरीशचंद्र के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गहलोत आए हैं, और आजादी के बाद हरीशचंद्र दिखते हैं सीएम। कटारिया ने आगे कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन राजा हरीशचंद्र इतने दिन बाद इस बात को उजागर कर रहे हैं, और इसीलिए इसमें संदेह हो रहा है, और लंबे समय बाद यह रहस्य हरीशचंद्र की कहानी को चरितार्थ करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बागी नेता सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान की कहानी पुरानी है, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे अटकलों के नए दौर शुरू हो जाते हैं। गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से किसी ने भी इसका कोई संदेश नहीं दिया या संकेत नहीं दिया है कि दिसंबर 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाया जाएगा। इस सब के अलावा राजस्थान की राजनीति में पिछले साल भी सियासी तूफान आया था, जब राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार होना था। पायलट बनाम गहलोत की जंग काफी तेज हो गई थी, और तब प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी तक कई नेताओं से मुलाकात हुई।
और तब जाकर दोनों यानी कि गहलोत और पायलट की पसंद को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। लेकिन अब जब चुनाव में सिर्फ एक साल का समय रह गया है, एक बार फिर से दोनों गुट सक्रिय हो गए हैं और बयानबाजी का दौर भी शुरू है। लेकिन आने वाले वक्त ही बताएगा कि सच में राजस्थान के नेतृत्व में परिवर्तन होगा या एक बार फिर से जादूगर का जादू चलेगा। तो चलिए, न्यूज राउंडअप में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ।